देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज, मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। बसपा सरकार के दौरान मूर्तियों और स्मारकों पर खर्च को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट के जरिए मीडिया से मांग की है कि कोर्ट की टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर पेश न किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हम कोर्ट में अपना पक्ष पूरी मजबूती के साथ रखेंगे। मायावती ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के लोग कटी पतंग ना बने तो बेहतर है। प्रदेश में सख्त कानून व्यवस्था के दावों की पोल खोलते बेखौफ बदमाशों ने मैनपुरी के पिछवा थाना क्षेत्र के गांव सैदपुर बछौली में एक घर में बदमाशों ने परिजनों को बंधक बनाकर डकैती डाली। विरोध करने पर बदमाशों ने घर के सदस्य को गोली मार दी और घर से लाखों का सामान और कैश लेकर भाग गए। घायल अवस्था में गृह स्वामी को पहले सैफई मेडिकल कॉलेज और उसके बाद आगरा रेफर कर दिया गया, जहाँ उसकी हालत गंभीर बताई गई। मध्य प्रदेश के इंदौर की अपराध शाखा पुलिस ने कथित आबकारी घोटाले में फरार 20,000 रुपये के इनामी आरोपी को उत्तर प्रदेश के लखनऊ से गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा अमरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बैंक चालान में हेरफेर कर 41 करोड़ रुपये से आबकारी घोटाले को अंजाम देने वाले 13 आरोपियों के विरुद्ध संबंधित रावजी बाजार थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इसके अलावा इस घोटाले में से 7 करोड़ के राजस्व का शासन को विजय कुमार श्रीवास्तव ने नुकसान पहुँचाया है। यूपी पुलिस ने गोरखपुर में चल रही एक ट्रैवल एजेंसी का पर्दाफाश किया है, जिसमें बलिया जिले का निवासी भानु प्रताप सिद्धार्थ इनक्लेव में रहकर चोरी की गाड़ियों से ट्रैवल एजेंसी चला रहा था। कैंट पुलिस ने भानु प्रताप को गिरफ्तार कर इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। भानु प्रताप की निशानदेही पर अब तक 8 लग्जरी कार और एक बाइक व 2 स्कूटी बरामद की गई हैं। पूछताछ में इसके अलावा उसने बताया कि चोरी की गई गाड़ियों के वो फर्जी कागजात बनवाकर उसे ट्रैवल एजेंसी में इस्तेमाल करता था। आने वाले समय में प्रदेश के अलीगढ़ में प्रदेश का सबसे बड़ा मुर्गी फार्म बनने जा रहा है। गांव गुरसिमरन में पशुपालन विभाग की 400 एकड़ जमीन पर जापान की कंपनी फार्म खोलने की तैयारी में है। 2 दिन पहले कंपनी की टीम जमीन का निरीक्षण भी कर चुकी है। टीम इसकी रिपोर्ट अपने अधिकारियों को देगी। अधिकारियों की तरफ से हरी झंडी मिलने पर पशुपालन विभाग से इसकी अनुमति मिलने के बाद प्रदेश के लोगों को इसका तोहफा मिल सकता है। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बने रहें आप हमारे साथ। हल्ला शोरगुल वाली खबरों से दूर रहने के लिए हमारा चैनल ग्रामीण न्यूज सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।